दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कागज़ की नाव बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर हमारे हाथ में देख सकते हैं दो कागज़ की नाव दी गई हैं, पेपर बोट जिन्हें कहते हैं, ठीक है, या कागज़ की कश्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बरसात के सीज़न में बच्चे ज़िद करते हैं, तो उनके लिए हमने ये तरीका सोचा कि बता दें आप लोगों को, अगर बनाना नहीं आता तो वो वीडियो देख कर ही बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप जो हैं कागज़ की नाव बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को चाहिएगा एक पेपर, ठीक है, कॉपी ले लीजिएगा, उसमें से एक पेपर जो है इस तरीके से फाड़ लीजिएगा बैक साइड से, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक पेपर, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक, बराबर ये कॉर्नर मिलाएंगे इस तरीके से। बराबर कॉर्नर मिलाने के बाद इस पेपर को ऐसे रख कर अच्छी तरह से इसे दबा देंगे, ठीक है, देख सकते हैं फोल्ड हो गया। अब इस पेपर को इस साइड में फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें सेंटर पता करना है, तो इसलिए बराबर रख कर यहाँ पर ऐसे दबाएंगे और बराबर आप इस तरीके से प्रॉपर दबा देंगे पेपर को, ठीक, ये हो गया। फिर से इसे ओपन कर लेंगे एक बार ऐसे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से, फोल्डिंग को ध्यानपूर्वक देखना है कैसे हम फोल्ड कर रहे हैं, बस वही स्टेप जो है फॉलो करने हैं आप लोगों को भी। आप जो हैं पेपर की बोट बना लेंगे, ठीक है, कागज़ की नाव बना लेंगे, अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो इस तरीके से फोल्डिंग हो गई, फोल्डिंग होने के बाद यहाँ पर दो पेपर बने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से एक इस साइड में फोल्ड कर दीजिएगा और एक जो है बैक साइड यानी कि पीछे की दिशा में फोल्ड कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, पीछे हो गया। फिर इसे उठा लेंगे, फिर यहाँ से ओपन करेंगे तो ये जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर में पेपर ऐसे फंस रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से एक पेपर को अंदर की तरफ कर दीजिएगा, एक बाहर ऐसे इस साइड में, एक पेपर अंदर की तरफ एक बाहर, जैसे कि कॉर्नर ये इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे दबाना है, बढ़िया ऐसे दबाएंगे और फिर नीचे रख कर बराबर प्रेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर फिनिशिंग आ जाए, आपकी नाव जो है अच्छी बने। तो इस तरीके से दबा देंगे अच्छे तरीके से, फिर यहाँ से इस पेपर को पुनः पीछे की दिशा में फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे फोल्ड कर दिया जाएगा, इसको पलट लीजिएगा इससे, इसको पीछे भी एक बार ऐसे फोल्ड करिएगा इस तरीके से। फिर से आप जो है उठाएंगे और ओपन करेंगे, जिस साइड में देख सकते गड्ढा है इसको फिर से ऐसे दबाएंगे, ठीक है, और पीछे की तरफ फिर से ऐसे बैक में फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर पलट देंगे, फिर से एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको फिर से ऐसे ओपन करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा छोटी बनाएंगे फोल्डिंग, उतनी ही अच्छी नाव बनकर तैयार होगी। बड़ी बनाना चाहें बड़ी भी बना सकते हैं नाव को, हमको बनानी है छोटी नाव। तो इस तरीके से इतनी फोल्डिंग मैंने कर ली, कुछ इस तरीके से इससे बन गया। अब अच्छी तरीके से इसे दबाना है, दबाने से क्या होगा, फिनिशिंग आएगी बहुत ही अच्छी। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इसको इस साइड में खींच लेंगे और इस साइड वाला जो था इसको इधर खींच लेंगे, तो कुल मिलाकर देख सकते हैं हमारी नाव बनकर हो गई तैयार। और ऐसे ओपन करेंगे, देख सकते हैं एक ये नाव हो गई जो अभी तैयार की है, ये दूसरी नाव है जो पहले से, और ये तीसरी नाव है। तो कुल मिलाकर हमारे पास हो गई तीन नाव हो गई हैं इस तरीके से, मैंने भी तीनों बनाई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाने का ये तरीका था, मेथड था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।